हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिजल्ट से रिलेटेड आपको अपडेट दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको जरूरी सूचना देना है, जो पीईटी एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट उनके लिए बेहद जरूरी है और इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले, यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे रिजल्ट की। पहले बता दें आपको कि 1 वीक के अंतर्गत ही आपको एक रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, ये रिजल्ट ज़्यादातर जो संभावना बन रही है लोअर 2016 का जो फाइनल रिजल्ट है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द देखने को मिलेगा। दोस्तों, केवल आपको 7 दिन तक इंतजार करना है। इसी 7 दिन के अंतर्गत, जैसा कि मुझे अपडेट मिला है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जानकारी दोस्तों दे रहा हूँ कि लोअर 2016 वाले जो भी स्टूडेंट हैं, इन लोग का रिजल्ट दोस्तों आने वाला है। यदि किन्हीं कारणवश ये रिजल्ट नहीं आता तो दोस्तों मंडी परिषद के भी रिजल्ट आ सकते हैं। इन दो रिजल्ट में से दोस्तों मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, जैसा कि मुझे अपडेट मिला है उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि मंडी और लोअर वाले स्टूडेंट बिल्कुल प्रिपेयर रहे। इन लोग का रिजल्ट दोस्तों 1 हफ्ते के अंतर्गत ही जारी कर दिया जाएगा। और जब कभी भी ये रिजल्ट दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही अपडेट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब दोस्तों, हम बात करेंगे पीटी के जो एग्ज़ाम है, यानी कि कल के डेट में आपको एग्ज़ाम देना है। जो भी स्टूडेंट जाने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा जो चीज़ें ज़रूरी हैं और किन बातों का आप लोग ख्याल रखेंगे, ये बातें आप लोग जान लीजिए। पहली चीज़ तो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। दूसरी बात दोस्तों, इसके साथ ही आपके पास 2 फोटो होना चाहिए, जिसके पीछे दोस्तों नाम और रोल नंबर लिखा होना चाहिए, जो आप खुद ही वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ओरिजिनल आईडी, या तो आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन जो भी में से जो भी वहाँ पे एडमिट कार्ड के पीछे मेंशन किया गया है, इनमें से कोई एक आप ओरिजिनल और उसका फोटो कॉपी लेकर जाना है। इसके साथ ही दोस्तों, मास्क और सैनिटाइजर भी आप अपने पास रखेंगे। और दोस्तों, एग्ज़ाम जैसा कि आप 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाला है, तो एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले ही आपको परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है। यदि 10 बजे वाले शिफ्ट में है तो आपको 8 बजे पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, 9:30 बजे जो है गेट बंद कर दिया जाएगा, तो 9:30 बजे के पहले आप वहां पे मौजूद रहते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों उसके बाद फिर वहां पे एंट्री नहीं होगी। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस सभी बातों का ध्यान रखेंगे। ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी, उसकी फ़ोटो कापी, और दोस्तों 2 फोटो, और उसके साथ ही ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ब्लू भी रहेगा तो भी चलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें और पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करें।